नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है साथ में बैच में जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग सुबह के सत्र में पिछले 2 वर्ष से लगभग कंटेंट ऐसा शेयर करते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं, जिससे हम सबका ध्यान ज्यादा बारीकी से जाए उन वस्तु पे जो हम वर्कशॉप में सुनते रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग UHV 3 जो तीसरे लेवल का कोर्स है उस पर बात शुरू करने वाले हैं। UHV 1 वो कंटेंट है जो हम इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान बच्चों के साथ शेयर करते हैं। UHV 2 में जो कंटेंट है वो एक मैंडेटरी कोर्स के रूप में सेकेंड ईयर में बच्चों को बैचलर लेवल प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, और UHV 3 एक इलेक्टिव के रूप में कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, और जब ये माइनर डिग्री का भी एक हिस्सा है और AICT ने इसके लिए भी प्रोविजन क्रिएट किया है कि इंस्टीट्यूशंस माइनर डिग्री ऑफर करें, उसमें से एक ये कोर्स है। अगर कोर्स के टाइटल को देखें उसका अर्थ है कि हम इसमें मानव को समझने का, प्रकृति को समझने का और अस्तित्व को समझने का और विस्तार से काम करेंगे। तो मानव के बारे में, प्रकृति के बारे में UHV 1 में भी बात हुई है, अस्तित्व को हम लोगों ने UHV 2 में ओपन अप किया था, और मानव और प्रकृति के बारे में और विस्तार से समझने का प्रयास किया था। UHV 3 में हम इसके और गहराई में जाएंगे, और इसमें एक महत्वपूर्ण भाग ये होगा कि हमें जब कोई कोर्स अटेंड करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, तो कुछ प्रस्ताव मिलते हैं, एक सूचना मिलती है, हमारा स्वयं की ओर ध्यान जाता है और उससे हम अपना मूल्यांकन भी करते हैं, हमारी सजगता भी बढ़ती है। परंतु वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने के लिए थोड़ी और तैयारी चाहिए। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा शुद्ध दृष्टा भाव के साथ इन वास्तविकताओं को देखने समझने का काम करें। तो यदि मॉर्निंग सेशन के बारे में बात करें तो स्वयं के विकास के लिए एक प्रतिदिन किया जाने वाला अभ्यास है। इससे जो बातें हमने प्रस्ताव के रूप में सुनी है उसको हम समझ तक ले जा पाते हैं, और इससे ये भी होता है कि जो हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, चाहे वर्कशॉप में, चाहे क्लास में, या बच्चों के साथ मीटिंग में, या फैकल्टी के साथ मीटिंग में, उसको हम और बेहतर ढंग से रख पाते हैं। और इस क्रम में ये भी होता है कि जिस तरह से शिक्षा में पूरी बात जा रही है उसमें अधिक से अधिक रिसोर्स पर्सन की जरूरत है, तो इस क्रम में रिसोर्स पर्सन का भी डेवलपमेंट हो पाता है। और हम सभी साथी जो इस पूरे कार्यक्रम में लगे हैं, हम एक UHV टीम के रूप में अपने आप को देखते हैं, और आप भी धीरे धीरे इस पूरे टीम का एक हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसी अपेक्षा है आपसे। जैसा मैंने पहले कहा कि हमें कुछ परिचयात्मक कंटेंट मिला है UHV 1 और UHV 2 में, और इसमें हम अब एक शुद्ध दृष्टा की तरह वास्तविकता को देखने समझने का काम करेंगे, तो कुछ और गहराई में बातें होंगी। कुछ अभ्यास भी जो हम लोग करते रहे हैं वो भी हम करेंगे। इनफैक्ट हम लोग पहले भी UHV 3 का सेशन एक बार रन किए हैं, और जो बाकी बैचेज हैं उसमें हमने अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को विधिवत किया है। जो समय रहता है उस प्रकार से रहता है कि सुबह 5:30 से 6:30 अंग्रेजी में वस्तु को रखा जाता है, और 6:30 से 7:30 हिंदी में रखा जाता है। अभी तक 6 बैच कंप्लीट हुए हैं और इसमें लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। तो अभी से भी हमने जो योजना बनाई है, 4 महीने का ही लगभग योजना है, उसमें हम आखिरी 1 महीने में आपका शेयरिंग, आपका फीडबैक सुनेंगे। प्राइमरीली देखें तो ये स्वयं के विकास के लिए है ना। इस बात पे हम लोग बार बार ध्यान देंगे कि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीने में, जो हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है, जो सारा प्रयास है, उसकी उपलब्धि क्या है, क्या ये बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि नहीं। तो स्वयं का विकास कैसे हो, मानव के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो दिखता है कि मैं और शरीर दो तरह की वास्तविकताओं का सहअस्तित्व है ना। और ये भी दिखता है कि शरीर तो एक सामयिक वस्तु है। मैं के बारे में दिखता है कि उसका आवश्यकता निरंतर है, क्रिया निरंतर है, और इससे ये भी एक आभास होता है कि मैं भी निरंतर हूं। तो जो निरंतर है उसमें ही विकास होना है कि नहीं, उस मैं के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग वर्कशॉप भी अटेंड किए हैं, मीटिंग्स अटेंड किए हैं, रिफ्रेशर वर्कशॉप्स किए हैं, फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन मोड में वर्कशॉप किए हैं। अब इसको हम और थोड़ा गहराई में ले जाएंगे, थोड़ा और विस्तार में ले जाएंगे, ताकि हमारे स्वयं के प्रति सजगता बढ़े, अपने भाव के प्रति, अपने विचार के प्रति हर क्षण सजग हो पाए, पूरी जो वास्तविकता है हमको स्पष्ट रूप से समझ में आए, हमको मानव समझ में आए, प्रकृति समझ में आए, और प्रकृति में मानव की भागीदारी क्या है ये भी समझ में आए, ताकि हम व्यवस्था पूर्वक, संगीत पूर्वक जी पाए। ये सुबह का जो सत्र है ये अभी कोई
जिस तरह से हम FDP करते रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे AICTE के द्वारा, उस रूप में नहीं है। तो यहाँ कोई सर्टिफिकेट्स हम नहीं देने वाले हैं, हम आपका अटेंडेंस भी उस रूप में मॉनिटर नहीं करने वाले हैं, परंतु ये एक अच्छा अवसर है हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत करने के लिए दिन की। और यदि आप मतलब इसको नियमित रूप से कर पाते हैं तो आप पाएंगे कि आप इस समय में बहुत स्पष्टता बढ़ने लगती है, जिससे हमारे जीने में एक परिमार्जन दिखने लगता है। तो इसमें हम लोग जीने से जुड़े हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, है ना। किसी भी तरह का आपका शंका हो, प्रश्न हो, तो उसको हम लोग जरूर इसमें लेंगे, और आप अपनी उपलब्धियों को या अपने कठिनाइयों को भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इस बैच की अगर बात करें तो इसका जो कंटेंट होगा, जैसा मैंने बताया, UHV3 होगा, और इसको अटेंड करने के लिए या एक आवश्यकता तो है जो आपको फॉर्म में भी लिख के भेजा गया था, मेल पे भी गया था, या आपने कम से कम एक वर्कशॉप अटेंड किया हो। वैसे तो UHV3 को अटेंड करने के लिए UHV2 का सर्टिफिकेट चाहिए, परंतु मॉर्निंग सेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको भी क्राइटेरियन को भी हटा दिया है। आपने अगर कोई एक भी वर्कशॉप किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, और आपसे अपेक्षा है कि आप सारे सत्र अटेंड करें। तो जैसे आज 30 मार्च को हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना, अगले 4 महीने तक हम लोग इसको लगातार लेकर चलने वाले हैं। तो यदि आप नियमित रूप से अटेंड कर पाते हैं तो इससे आपका ही उपकार होगा, का ध्यान ज्यादा बारीकी से जाएगा। आप दोनों भाषाओं में अगर अटेंड करना चाहें तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने बात किया कि UHV3 को हमने पहले भी पेपर कंडक्ट किया है, और आप पाएंगे कि उसके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, जो आपको लिंक शेयर किया गया उसमें उसके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। और एक बैच में हमने UHV3 को कवर किया था, और बाकी बैचेज में हमने अभ्यास 1 और 2, जो हम इस बैच में भी कवर करेंगे, उस पर चर्चा हुई थी विस्तार से। जी, कुछ हैंड्स रेज हैं। नमस्ते जी। जो मैंने एक एक्टिविटी देखी है, जो सोचा मैं लाइफ में भी मैंने जज किया है चीजें, कि छोटे में जो बच्चा होता है, मतलब 4 साल की उम्र तक का, तो वो माँ बाप के साथ पास रहता है, तो माँ बाप उसको टीचिंग करते हैं, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ये ताऊ। उसके बाद वो स्कूल में आता है बच्चा, उसको टीचर्स वगैरह, फिर कॉलेजेस वगैरह में, फिर उसके बाद वो जॉब पे जाता है, तो उसके जो सीनियर्स होते हैं या बॉस वगैरह, वो उसके टीचर्स होते हैं, मेंटर गाइड होते हैं। लेकिन एक बाद में एक चीज और होती है कि जब वो पैसा कमा ले जाता, सब कुछ करना, तो बापाओं के साथ भी चले जाता। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात बता रहा हूँ यह चीज की, इस सब्जेक्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट हम पढ़े उसकी इम्पोर्टेंस का। क्योंकि बाद में बच्चा जब वो 26-27 साल का या थोड़ा सेटल होने लग जाता, परिवार हो जाता है, तो वो बाबाओं के संपर्क में आ जाता है, और बाबा जो लोग हैं वो कुछ नहीं बताते, वो खाली बस मानव को समझने के लिए बारे में बताते हैं, तो मानव की प्रॉब्लम को क्या है सॉर्ट आउट। मतलब ये क्या है कि जो ये जो हमारा जो शिफ्ट बाबाओं की तरफ हो रहा है, वो अगर इस ये UHV कोर्स को अगर पूरा मैंडेटरी अच्छी तरीके से करें स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो वो बच्चा यहीं पर से माइंड अपना सेट कर लेगा, आगे जाके उसको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं, शुरू से ही वो अच्छी बातों को समझ जाएगा। ये कहना चाहिए। ठीक बात है, देखिए किया जा सकता है, परंतु उसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक रिसोर्स पर्सन, अधिक से अधिक टीचर्स डेवलप हों। तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप इस सत्र में लगातार जुड़े रहेंगे और एक रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप होकर आगे निकलेंगे। तो बिल्कुल ये करने योग्य है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल करने योग्य है, इसकी आवश्यकता भी है, परंतु इसको लेकर चलने वाले लोगों की जरूरत है, और उसी के लिए सुबह का सत्र है ना, ताकि अधिक से अधिक फैकल्टी, अधिक से अधिक रिसोर्स पर्सन डेवलप हो पाए। जी, बहुत बढ़िया। UHV3 के रूप में देखें कि कोर्स में क्या कंटेंट जाने वाला है। तो जो मानव के होने से जो वास्तविकताएं जुड़ी हुई है, जो मौलिक आवश्यकता मैं के बारे में, शरीर के बारे में, मैं और शरीर के अस्तित्व के बारे में, उसको हम लोगों ने पहले भी रखा है, इसको और विस्तार में रखेंगे। तो मैं के बारे में जब हम अध्ययन करने जाते हैं, तो UHV2 में आपने देखा होगा कि हमने बहुत संक्षेप में मैं के बारे में 10 क्रियाओं का जिक्र किया था। अब उन 10 क्रियाओं को हम लोग इस पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे प्रकृति में हमने देखा था कि प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं जो एक दूसरे के लिए पूरक हैं, और उनके बारे में हमने अध्ययन भी किया था, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी धारणा के बारे में, अनुसंगीता के बारे में, उसको और हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस तरह इनके साथ पूरी प्रकृति परस्पर पूरक है। फिर हम ये भी देखेंगे कि मानव किस तरह से पूरे अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है, और कैसे मानव शून्य में संपृक्त बने रहते हुए प्रकृति की हर इकाई से जुड़ा हुआ है। फिर इस पूरे समझ के साथ मानव की भागीदारी क्या होगी,
मानव का आचरण क्या होगा, मानव का व्यवहार कैसा होगा, मानव का कार्य कैसा होगा, मानव की परस्परता में भागीदारी कैसी होगी, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कैसी होगी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और पूरे जो प्रोसेस है, आपने जैसा देखा होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, स्वयं जांच परख का प्रोसेस है। तो इससे ये होता है कि जितना जितना हम जांच परख करते हैं ना, हमको जीने से बहुत सारे जो मुद्दे जुड़े हुए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे परिवार में व्यवहार की स्थिति, संबंध की जो स्थिति है, वर्क प्लेस पे जो हमारी स्थिति है, और हमारे अंदर इस तरह के प्रश्न घूमते रहते हैं कि इस दुनिया का भविष्य क्या है, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव परंपरा चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, कैसे चलेगी। तो हम सब के अंदर एक दृष्टि के विकास की जरूरत है कि पूरे विश्व की दृष्टि बने ना, हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की मानवीय परंपरा के अर्थों की दृष्टि को विकसित कर पाए, जहां हमको अभी क्षणिक रूप से सुखी होना भी कठिन कई बार लगता है, तो क्या हम एक ऐसी दृष्टि भी रख पाते हैं क्या, या रख सकते हैं क्या, कि जिससे धरती का हर मानव सुख समृद्धि पूर्वक जी पाए निरंतरता में पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और ये दिखेगा आपको कि जितना जितना हम गहराई में मानव को, अस्तित्व को और मानव की अस्तित्व भागीदारी को समझते जाते हैं, ये हमारी दृष्टि और फैलती जाती है और संतुलित होती जाती है। जो माइनर डिग्री ऑफर किया गया है AICTE के द्वारा, उसमें से एक ये कोर्स है, और भी कई कोर्सेज है। अगर आप उसके डिटेल में जाना चाहें तो जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इस पर आप जाकर पूरे माइनर डिग्री के बारे में देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के लिए। हम लोग खुद भी अगर याद करें तो जब पढ़ाई कर रहे थे तो इच्छा होती थी कि कुछ ऐसे कोर्सेज हों जिसमें स्वयं को समझने का अवसर मिले। तो जैसे भैया अभी मदन जी बता रहे थे कि हम लोग हर तरह से हाथ पांव मारते हैं, इधर उधर प्रयास करते हैं, क्योंकि शिक्षा में उसका प्रोविजन नहीं मिलता। अगर शिक्षा में उसका प्रोविजन हो जाए तो विधिवत ढंग से हम इन सब मुद्दों पे बात कर सकते हैं, क्लासरूम में डिस्कशन कर सकते हैं, अपने टीचर से जाके प्रश्न कर सकते हैं। अभी हुआ ये है कि हमने मानव को समझने को, संबंध को समझने को, इन सब चीजों को सिलेबस के बाहर कर दिया था। अब क्रमशः पिछले कुछ वर्षों में इसको शामिल किया जा रहा है ताकि बच्चा कम से कम अपने बारे में तो बात करे, अपने बारे में तो बात कर सके। अभी बच्चों को परिवार में कठिनाइयां होती हैं तो अपने मित्रों से बात करता है, वो शिक्षक से बात नहीं कर पाता। कम से कम क्लास में बैठकर उन मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होता, जबकि सारे कॉमन इश्यूज हैं। तो जीने से जुड़े हुए जितने भी तरह के मुद्दे हैं, कैसे उसको शिक्षा में शामिल किया जाए और कैसे उसे बच्चे समाधानित हो, ताकि वयस्क होते होते वो अपने आप में एक ऐसी ह्यूमेन दृष्टि को देख पाए, अपने आप में एक ऐसी दृष्टि को विकसित कर पाए जिससे उसके अंदर एक विश्वास का भाव बने कि हाँ, मैं सुखपूर्वक जी सकता हूँ, दूसरे के सुख में मैं भागीदार हो सकता हूँ। उस क्रम में ये माइनर डिग्री शुरू किया गया है, इसमें कई कोर्सेज हैं और हम लोग VUHV3 रन कर रहे हैं। आगे भी और कुछ कोर्सेज धीरे धीरे रन होंगे। इसमें एक और लिंक है जो अभी वेबसाइट पे शेयर किया गया है, इस लिंक पे भी आप जा सकते हैं, इससे सारे कोर्सेज की आपको लिस्टिंग भी मिलेगी। स्वयं पोर्टल पे भी AICTE ने इसको इंक्लूड किया है, स्वयं पोर्टल का ये लिंक है, ये भी आपको मेल में भेजा गया है, तो आप उसमें अगर एनरोल करते हैं तो उसमें भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब के लेक्चर्स ग्रुप में, और हर एक लेक्चर का जो जिस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, संक्षिप्त जो विवरण है वो मिलेगा आपको देखने के लिए, और उसमें असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, तो आप इस पे भी एनरोल कर सकते हैं। अंग्रेजी का सत्र है वो 5:30 से 6:30 चलेगा, हिंदी का सत्र 6:30 से 7:30 चलेगा। आप वीडियोज़ को देखने जाएं तो एक वेबसाइट है UHV.org.in, उसका अपना एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे कई सारे वीडियोज हैं। ऑलरेडी जो सुबह के सत्र कंडक्ट हुए हैं उसमें भी, जो माइनर डिग्री के लिए जो कोर्सेज की रिकॉर्डिंग हुई है उसके लिए भी ये जो वीडियोज रिकॉर्डेड है वो सारे इस प्लेलिस्ट में है। अगर सेशंस की प्लानिंग को देखें तो 5 मॉड्यूल्स हैं इसमें। पहले मॉड्यूल में हम पूरे कोर्स के बारे में परिचय लेंगे, तो कोर्स का ओवरव्यू हम लेंगे, अभी हमारी स्थिति क्या है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस पे चर्चा होगी। इसमें इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या हमको इसकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखती है कि नहीं। फिर जो कंटेंट अभी हमने UHE 1 UHE 2 में शेयर किया है उसको हम लोग रिकैप करेंगे, उसको दोहराएंगे, और साथ में हम अभ्यास सत्र भी शुरू करेंगे अपने लिए। तो हम बारीकी से अपने भाव को देखने का या शरीर के साथ अपने जुड़ाव को देखने का अभ्यास शुरू करेंगे। ये आपके ध्यान में आया होगा कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर तो साधन मात्र है। इस बात को हम कितने स्पष्टता से देख पा रहे हैं इस पर भी चर्चा होगी, और मानव की जो मूल चाहना है उसको और हम बारीकी से देखेंगे।
तो हम लोग UHV2 में इस बात को देखते रहे कि मानव की मूल चाहना निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। और बारीकी से देखेंगे तो दिखता है कि जो समृद्धि का भाव है वो निरंतर सुख का ही भाव है। तो आपको दिखेगा कि मूल चाहना तो निरंतर सुख पूर्वक जीना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मॉड्यूल 2 में मानव को समझने का काम करेंगे विस्तार से, तो मैं के बारे में बात करेंगे और इस क्रम में ज्ञाता कौन है, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है और ज्ञेय क्या है, जानने की वस्तु क्या है, यानी जानने वाला कौन है, जानने की वस्तु क्या है और जानने की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा होगी। फिर यदि हम स्वयं में समझ की पूर्णता को उपलब्ध करा पाते हैं तो हमारे जीने में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव होगा उसका, क्या परिमार्जन होगा, उस पर चर्चा होगी। और साथ में हम अभ्यास भी करते हुए रहेंगे। तो अभ्यास 1 में जो हम ध्यान देते हैं अपने भाव की ओर ध्यान देते हैं और ये पूरा प्रयास रहता है कि हमारे भाव में परिमार्जन हो, तो जो सहज स्वीकृत भाव है उनको स्पष्ट हो जाए। तो अभी हमारे अंदर जिस तरह के भाव है, कभी मान्यताओं के दबाव में, कभी संवेदनाओं के दबाव में और कभी सहज स्वीकृति के आधार पर, कैसे उसमें परिमार्जन हो ताकि हर क्षण हर भाव सहज स्वीकृति के आधार पर हो, ये करने योग्य काम है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 3 में मानव को समझते हुए मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का काम करेंगे और मैं की जो ज्ञान की एक तरह से हायर लेवल एक्टिविटीज हैं, अनुभव के आयाम की क्रियाएं हैं, उस पर बात होगी। और अनुभव के आयाम में क्रियाशील होते हुए कल्पनाशीलता में क्या परिमार्जन होता है उसको देखेंगे। मॉड्यूल 4 में पूरे अस्तित्व के बारे में चर्चा होगी और ये अपने को दिखता है कि जो नेचर है वो अस्तित्व का ही प्रकटन है, इसी रूप में 4 अवस्थाएं हैं, उसी रूप में हर अवस्था की निश्चित धारणा है, निश्चित स्वभाव है, निश्चित रूप से अनुसंगीयता है। फिर ये भी देखेंगे कि जब मैं अस्तित्व को जैसा वैसा देख पाता हूँ तो किस रूप में मुझे स्पष्ट होता है और कैसे मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ। फिर उसके साथ ही मानव की समूचे अस्तित्व भागीदारी क्या है उस पर चर्चा होगी और उस पर जब चर्चा शुरू होगी तो मानवीय एकतापूर्ण आचरण के बारे में बात करेंगे। इसमें 2 मॉडल्स को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, इस ज्ञान के आधार पर विवेक क्या हो, विवेक के आधार पर विज्ञान कैसा हो, उस विज्ञान के आधार पर हमारा व्यवहार कार्य भागीदारी किस प्रकार से हो और कैसे वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जाए और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा बन पाए, इसको विस्तार से हम लोग बात करेंगे, फिर संभव करेंगे पूरी बात को। तो कंटेंट आप पाएंगे कि इसमें बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए, इनफैक्ट पूरे अस्तित्व की बात करने वाले हैं, समय थोड़ा लिमिटेड है अपने पास क्योंकि हम लोग लगभग 3-3.5 महीने में इस पूरे कंटेंट को कवर करेंगे, तो जनरली एक लेक्चर पे हम 2 या 3 दिन का समय लगाएंगे, परंतु यदि आपके प्रश्न बने रहते हैं तो हम लोग और समय भी लगाने का प्रयास करेंगे। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास है, यदि कोई प्रश्न आपका शेष रह जाता है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं बाद में भी। कभी भी सत्र के दौरान आपको कोई प्रश्न करना हो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपको माइक दिया जाएगा। अगर आपको कोई अपनी शेयरिंग, कोई रिफ्लेक्शन भी रखना हो या कोई प्रश्न रखना हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हर लेक्चर या प्रैक्टिस सेशन के बाद एक असाइनमेंट है जो शेयर किया जाएगा आपके साथ, परंतु हर दिन चर्चा के बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स लेते रहेंगे कि आज दिन भर में हम अपनी सजगता कैसे बढ़ाएं, जो बात हुई उस पर हम कैसे और स्पष्ट हो जाएं, या किन्हीं सज्जन ने कोई प्रश्न किया और उस प्रश्न से किसी वास्तविकता की ओर ध्यान गया तो उस पर हम लोग अपना ध्यान और बारीकी से दे सकते हैं। तो हम लोग लगभग हर दिन असाइनमेंट लेंगे, परंतु हर लेक्चर के बाद एक विधिवत असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। और जैसी बात हो रही थी कि बैच के आखिर में, आखिरी 1 महीने में हम आपका शेयरिंग सुनेंगे कि आपकी क्या उपलब्धि हुई। अभी भी हम लोगों ने जो बैच 6 कल समाप्त किया उसमें पिछले लगभग 1.5-2 महीने से सुबह के सत्र के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी शेयरिंग चल रही थी और वो यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाले हैं, तो आप लोग उनको भी सुन सकते हैं कि कैसे हमारे संबंधों में परिमार्जन होता है, कैसे परिवार के बहुत पुराने गहरे मुद्दे जो झगड़े का रूप ले लिए थे, विवाद का रूप ले लिए थे, उनमें समाधान मिल पाता है, स्वास्थ्य के प्रति कैसे हमारी सजगता बढ़ पाती है, कैसे बच्चों को केयर करने में हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा स्पष्ट हो पाती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो हम टीम के रूप में काम करते हैं वो कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आप रिफ्लेक्शन को सुनेंगे तो जीने के लगभग हर हर आयाम में आपको दिखता है कि इसमें उपलब्धि होती है। अगर टीम के रूप में देखें तो हम इतने साथी हैं, श्री गणेश बागड़िया जी हैं, डॉक्टर श्यामला अस्थाना जी हैं, मैं हूँ,
श्री बी एन पांडे जी हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, डॉक्टर तारा प्रसन्ना दास जी हैं, निधि दीदी हैं, अपराजिता दीदी हैं, यशवंत भैया हैं, परीक्षित भैया, जगदीश भैया, विनय भैया, हम इतने साथी हैं जो आपके सहयोग में रहेंगे। अब इस पूरी बात को लेकर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं। पर मैं कभी सर्टिफिकेट के लिए नहीं किया है, के लिए ही सिर्फ अपने समझने के लिए और उपयोगी होने के लिए ये समझ रही हूँ। तो क्या मैं इसको आपके हर लेवल को कंटिन्यू कर सकती हूँ, या किसी के प्लेटफॉर्म पे भी और सुबह मॉर्निंग सेशन में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आप जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहें स्वागत है। आप एक टीम मेंबर के रूप में यदि वॉलंटियरली भी कुछ अगर एक्टिविटी में जाना चाहें तो भी स्वागत है। बिल्कुल जी भैया जी, कितने लेवल है और किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसके लिए मैं किससे गाइडेंस ले सकती हूँ? माइनर डिग्री में देखें तो 8 कोर्स हैं उस तरह के, तो लेवल वाइज अगर आप देखें तो 8th लेवल तक हम लोग जा सकते हैं। 8th लेवल का जी। और टोटल कितने लेवल है भैया जी? अभी तो इतने ही बने हैं। तो UHV1 में इंडक्शन प्रोग्राम का कंटेंट है, UHV2 में जो सेकेंड ईयर का कोर्स है वो रखा गया, UHV3 जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, UHV4 में विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी यानी कि इस पूरी समझ के साथ मानवीय समाज कैसा होगा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। UHV5 में भिन्न भिन्न दर्शनों में जो मूल्यों की बात हुई है उसपे 3-4 कोर्सेज हैं, उसमें से आप किसी एक को भी देख सकते हैं या सभी को अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम ह्यूमन सोशियोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, इन पे भी कोर्सेज हैं। अभी कुछ कोर्सेज बनने के क्रम में हैं, कुछ कोर्सेज अभी तो मैं डेली शुरुआत होने हैं। कनेक्टेड रहूं, यदि आपसे ज्वाइंट रहूं तो ये पूरे लेवल इसी सेशन में कंप्लीट होंगे या इससे कनेक्टेड मुझे दो, मतलब जो दिन में जो चलते हैं AICT के वो और ये कनेक्टेड है, ये मैं समझ नहीं पा। जैसे AICT से ये कनेक्टेड है या ये कंप्लीट अपने आप में एक सेशन चल रहा है 1 लेवल 2 लेवल 3? हाँ, ये बेसिकली UHV टीम की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। AICT के प्लेटफॉर्म पे जो एक एकेडमिक अप्रोच है उसके साथ जिस तरह से वो मॉडल करिकुलम का हिस्सा बनता है उसके साथ हम लोग उस कंटेंट को रखते हैं। तो AICT का अपना एक मॉडल करिकुलम है जिसमें उन्होंने माइनर डिग्री को इंक्लूड किया है, उसके लिए FDP होते हैं, FDP का अपना एक गाइडलाइन है कि किस प्रकार से होगा। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग 5 दिनों में करते हैं और दिन के समय में करते हैं, तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके थ्रू करते हैं। उस क्रम में UHV 8 तक का भी वर्कशॉप होंगे, भविष्य में होंगे, अभी हम लोग उनको अभी कंडक्ट नहीं करें। UHV 5 तक तो हम लोगों ने कंडक्ट किया है, 6, 7, 8 अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, बट ये जो मॉर्निंग सेशन हो रहा है ये UHV टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, इनको भी अटेंड कर सकते हैं। जी धन्यवाद। और ये जो सुबह का सत्र हम कर रहे हैं इसमें हमारा मुख्य प्रयोजन अगर देखें तो ये है कि हमको जो बातें हमने वर्कशॉप में सुनी वो बातें हमको एक शुद्ध दृष्टा के रूप में सीधे सीधे दिखाई दे। तो जैसे हम लोग मैं और शरीर दो वास्तविकताओं की बात कर रहे हैं, मैं अपने आप को देख पाऊँ, समझ पाऊँ, संबंध की बात कर रहे हैं, मेरे अंदर विश्वास का भाव बना रहे, ये काम करने योग्य है। मुख्य उपलब्धि तो यह है कि मेरे स्वयं में परिमार्जन हो जाए, मेरा भाव सहज हो जाए, मुझ में समझ की पूर्णता हो जाए, सहस्तित्व मुझे स्पष्ट हो जाए कि नहीं। जी भैया नमस्ते सभी को, नमस्ते भैया आपको भी। जी भैया मैं तो सर्टिफिकेट के लिए नहीं जुड़ी थी, जस्ट UHV है क्या मैं इसको जानने के लिए ज्वाइन किया था और अभी तक हूँ मैं और मुझे अभी अच्छा लग रहा है, आगे भी मैं ज्वाइन करना ही चाहती हूँ। और स्वयं उन्नति के लिए जो मैं चीज चाहती थी और जिस परिस्थिति से मैंने ज्वाइन किया था मुझे लगता है मुझे मिल गया जो चीज चाहिए था, तो मैं सेल्फ में ही उन्नति चाहती हूँ और सेल्फ एक्सप्लोर तो मैं कर ही रही हूँ। और जो अब तक भी मैंने इसको सुना है सारी चीजें मेरी वजह से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो मेरी ऐसे कोई क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। बट भैया मैंने जो थोड़ा थोड़ा ही देखा UHV 3 का जो स्वयं में जो भी थोड़ा बहुत मैंने फोटो लग का और कोर्स मैंने करा है, फेस टू फेस मैंने अभी नहीं करा है, 5-day वर्कशॉप तो मैंने किया है। अच्छा। है ना, फेस टू फेस मैंने अभी नहीं करा और अभी कभी आगे मौका मिलेगा तो जरूर मैं करूंगी उसको, और जो भी मेरा आगे क्वेश्चन बनेगा, प्राप्त तो है ही है।
और बाकी सब यूएसबी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से मेरा ब्लेसिंग से। और मैं जो चाहती थी मुझे यूएचपी से मतलब मैं सैटिस्फाइड हूँ पूरी। तो बढ़िया बढ़िया दीदी, जिसे हम लोग कहते हैं कि वर्कशॉप शुरू होता है समाप्त नहीं होता, जी भैया। मैंने आपके सबसे पहले पता नहीं कोई ऐसे यूट्यूब में देखा था तो उसमें यही था आपका इंग्लिश का यूएचपी 3 का, वो स्वयं में ही था, वो बाद में कंटिन्यू हुआ आपका, और उसमें ही आपका यही था कि जरूरी नहीं है कि हमें एक्सप्लोर किसी बाहर को करे, स्वयं में स्वयं को ही एक्सप्लोर करे तो यही अपनी उन्नति देखे। तो उसको मैंने जब बाद में वर्कशॉप अटेंड किया मैंने कहा ये तो संभव भैया है, तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अरे बाप रे मैंने क्या निकाल लिया, पता नहीं कैसे निकल आया वो। तो मेरा तो सारा क्वेश्चन भैया समाप्त हो गया, और जिस स्थिति में मैंने ज्वाइन किया था मैंने अपनी उन्नति को वापस ला रही हूँ ट्रैक पे, तो मुझे किसी से कोई अब बोलनी है और बस अपने पे ही मैंने फोकस रखना है। बढ़िया दीदी। भैया मैंने UHP 1 और UHP 2 करा है, और मैं अभी मॉर्निंग सेशन इस बार मैंने ज्वाइन किया है, तो अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए किया है मैंने भैया। और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ प्रोफेसर, तो वहां पे मैंने इस बार UHV2 मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मतलब लगते हैं कि हाँ ये तो इसको तो और एक्सप्लोर करना है तो इसलिए मैंने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया है। बिल्कुल, इनफैक्ट UHV2 को पढ़ाने में और स्पष्टता बनेगी अगर हम UHV3 को अटेंड कर लेते हैं, तो हाँ बच्चों के जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना जिसपे हमको बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता वो UHV3 से हमको मिलने लगता है। हाँ भैया, हाँ भैया, तो मैं अभी जैसे पढ़ाना मैंने फर्स्ट टाइम मैंने लिया है, तो मतलब जैसे मैं सपोर्टिंग टीम में भी हूँ इसके मतलब UHV वाले। अच्छा, तो वहाँ पे ना काफी जैसे हाँ, तो वहाँ पे ना जैसे मतलब मैं वहाँ पे भी ज्वाइन करती हूँ पर उतना मतलब ज्वाइन नहीं दे पा रही हूँ मैं कुछ, कभी दे मतलब टाइम जैसे मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। तो मतलब काफी सारे डाउट्स है, काफी सारी चीजें होती है जो मतलब मैं मतलब उसको क्लियर कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार मतलब और अच्छे से करने के लिए फिर मैंने इसे ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आजकल भी अब बच्चों में ना मतलब ये चीज तो काफी मिसिंग है, मतलब एक रिस्पेक्ट मतलब कहीं तो होता है कि आप जिसको पढ़ा रहे हो जिस स्टूडेंट को आपकी तो रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जिसको नहीं पढ़ा रहे हो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एज अ टीचर बिंग मैं बहुत बार देखती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि वो कुछ सीखे इससे। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी हम लोग शाम का वर्कशॉप कर रहे हैं, तो अभी जैसे हर महीने शाम को 6 दिनों का 6 से 8.5 एक एक वर्कशॉप। हाँ भैया वो, हाँ वो मुझे पता है, मैंने उसमें भी एक दो बार मैंने ज्वाइन किया हुआ है बच्चों वाले वर्कशॉप में भी एज अ वॉलंटियर। अच्छा अच्छा, हाँ भैया। पर वही होता है भैया, भैया हरियाणा फरीदाबाद में है सर। हाँ हाँ भैया, तो मतलब मुझे तो काफी अच्छा लगता है, मैं तो इस ज्वाइन करती हूँ, पर वही कभी कभी जैसे अब घर में भी है, टाइम देना होता है, अपने बच्चों के लिए भी देना होता है, तो वो कभी कभी मिस भी हो जाता है पर ये है भैया बहुत अच्छा, मैंने तो अपने काफी सारी चेंजेस देखी है UHV 1 और 2 अटेंड करने के बाद, और सपोर्टिंग टीम में जाने के बाद तो और भी चेंजेस मतलब मैं मतलब देख पा रही हूँ अपने में कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहले मतलब मैं वो हो जाती थी, झुंझला जाती थी, या फिर ऐसे मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचने लग जाती थी जी। पर अब वो चीज थोड़ी मतलब मैंने अपने आप को उसमें थोड़ा सा वो इम्प्रूव किया हुआ है कि वो मतलब कोई कुछ कहता है तो मैं उसको ऐसे मतलब इतना ज्यादा नहीं लेती कि हाँ चलो कहा है तो ठीक है कुछ होगा कुछ जी जी। नाइस दीदी, आप पूरे समय जुड़े रहे सुबह के सत्र में, समय इस प्रकार से रखा गया कि हम सबके लिए कॉमन सा समय हो जाता है। एक्चुअली भैया भैया दिक्कत क्या है ना कि सुबह में बच्चों को स्कूल जाने स्कूल भेजने का भी टाइम होता है तो मतलब ये रहता है, मैंने फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं ज्वाइन करती हूँ, टाइम तो निकाल ही लेंगे एक बार अगर ज्वाइन कर लिया तो। और फेस टू फेस भैया मैंने अभी किया नहीं है वर्कशॉप जी। हाँ भैया,
बढ़िया बढ़िया दीदी, आप कनेक्टेड रहें और जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हो रहे हैं उसमें भी आप अगर फिर से अगर समय मिलता है तो अटेंड करें, और आप एक टीम का पार्ट बनी चुकी हैं, आप वॉलंटियरिंग कर रही हैं तो अच्छा रहेगा। हां जी भैया, मैं FAQ में हूं भैया, मैं FAQ टीम में है। हां जी हां जी, ओके वेरी नाइस। तो फिर वो जब टाइम मिलता है तो फिर मैं कर पाती हूँ, जैसे क्लासेस नहीं है तो फिर मैं कर लेती हूँ, अगर क्लासेस होती है तो फिर नहीं हो पाता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग। जी एक प्रश्न है यहाँ चैट बॉक्स में कि स्टूडेंट्स के वर्कशॉप का जो लिंक है तो वो उसी पोर्टल पे है जहाँ पे हम लोग अपने FDP के लिंक को देख पाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे वहाँ बच्चों के वर्कशॉप का भी लिंक है तो वहीं पे मिल जाएगा। हाँ नहीं, मैंने इस बार जैसे मैंने बच्चों को बोला भी था, लेकिन वो बाय चांस क्या हुआ कि बीच में बच्चों के पेपर्स आ गए थे तो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अच्छा, अब इस बार देखती हूँ कि ज्वाइन करवा रही हूँ मैं, अगर बच्चे ज्वाइन कर ले, क्योंकि बच्चों से जब हम बात करते हैं ना भैया तो उनके मन में भी रहता है, जैसे एग्जाम मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं कि हाँ ऐसे, तो बच्चे भी कहते हैं हाँ ऐसा होता है, तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है जैसे कि अब पेरेंट्स हैं, मतलब जैसे क्लास में बच्चों से जब हम बात करते हैं तो कि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स जो है वो डांटते हैं, है ना, कि आप किस बात पे जो है कि आपने कुछ गलत किया, आपके अंदर ये चीज आती नहीं है कि वो क्यों डांट रहे हैं, बस आप उसको अपोजिशन मोड में लेके आप कहते हो कि पापा तो हमेशा डांटती है, तो बच्चे भी एग्री करते हैं कि हाँ मैम ऐसा होता है ये होता है, तो अब कितना इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर वो तो बाद में पता चलेगा पर जी, बच्चे जी। ध्यान से सुनते हैं बिल्कुल यहाँ क्या अभी है? जो हम लोग कर रहे हैं वो तो जो बैचलर लेवल प्रोग्राम के बच्चे हैं जो बीटेक कर रहे हैं या कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो अभी उनके लिए हम लोग कर रहे हैं, परंतु उससे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। वैसे तो परिवार के रूप में तो अटेंड कर ही सकते हैं, परंतु अभी MP में हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 में भी इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किए हैं और वहाँ भी बच्चों की तैयारी हो रही है, तो और उसके बाद फिर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में भी इस काम को करना है, तो कंटेंट जो मुख्य बात है वो तो उतनी ही रहेगी, परंतु उसको कैसे हम बच्चों तक ले जाएं, उसके लिए जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इलस्ट्रेशन है या जो क्रम है वस्तु को रखने का, उन सब पे अभी काम चल रहा है और उसके लिए पुस्तकें भी विकसित हो रही हैं। अभी क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए वर्कबुक्स भी डेवलप हो रहे हैं, इसको अगर बच्चा बैठ के भी अपने आप से अभ्यास करे तो बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान जाएगा। सर ये मैं तो मॉर्निंग का फर्स्ट बार ज्वाइन कर रही हूँ, तो जैसे इसमें फर्स्ट और सेकेंड हो चुके हैं तो वो कोरिलेट करेंगे क्या थर्ड वाले से? और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बार UHV वो 5 डे का हुआ था ना अपना ऑनलाइन वाला, वो ज्वाइन किया था, तो मैं केवल रिवाइज के तौर पे मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ, और जो क्या फेस टू फेस बोल रहे हैं वो क्या है वो भी मेरे को नहीं पता एक्चुअल में। अच्छा, फेस टू फेस जब हम आमने सामने बैठ के वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो इस पैंडेमिक से पहले तो ऑनलाइन वर्कशॉप होते ही नहीं थे, हम लोगों ने पहली बार इस बात को एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ऑनलाइन वर्कशॉप हो सकते हैं, ये अप्रैल 2020 की बात है, उससे पहले तो जितने भी वर्कशॉप होते थे फेस टू फेस ही होते थे। अच्छा, और अब ये हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं और फेस टू फेस भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन में चूंकि एक सीमा तक तैयारी हो जाती है तो हम लोग अब उनको ही फेस टू फेस वर्कशॉप में बुला रहे हैं, अगर हम 5 दिन का कर रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कम से कम एक वर्कशॉप अटेंड किया है, ताकि उनको बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन हो और उसके ऊपर फिर विस्तार से बात हो सके। जी जी जी, ओके थैंक यू सर, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बढ़िया दीदी, और हम लोग UHV 1 और UHV 2 के कंटेंट को यहाँ रिविजिट करेंगे, अगर हम मॉड्यूल 1 को देखें और मॉड्यूल 2 और 3 में भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। जी जी, ओके थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं आपके ये जो कोर्स है किस तरह की मैं हेल्प कर सकता हूँ और आपके साथ कैसे एसोसिएट है? देखिए, हम सबको जो हेल्प करना है वो इस रूप में करना है कि हम स्वयं समझें, हम जितना जितना समझते जाते हैं उतना उतना हमारे जीने में आता है, और जितना हमारे जीने में आता है उतना हम परस्पर में भागीदार होते ही चले जाते हैं, तो हम सबकी जो मौलिक जिम्मेदारी है समझने की है कि ये जो प्रस्ताव हमें मिला है ये बात हमको दिख जाए, जैसे बात है कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, उनको मैं दिख जाए, शरीर के साथ अस्तित्व दिख जाए, ये मुख्य काम है करने का। ये होता है तो हमारे अपने संस्कारों का मूल्यांकन हो पाता है, उसमें परिमार्जन हो पाता है, फिर हम सहज रूप से अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं। जी सर, तो सर ये मैंने जो भी कोर्स पढ़ाता हूँ सर, हेलो
हर कोर्स के अंदर में ये जो आपकी मॉडल है मैंने बहुत इन्फ्लुएंस मेरे को किया। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने जो ये कॉन्सेप्ट दिया, मैंने पहला वाला सेशन वन किया था, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, तो मैंने जब भी कहीं पढ़ाता हूँ सेल्फ अवेयरनेस की टॉपिक आता है तो मैं ये कॉन्सेप्ट को जरूर बच्चों को बताता हूँ ऑडियंस को, तो ये काफी हेल्पफुल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए जब हमें स्पष्टता होती है तो हम जहां भी प्रस्तुत होते हैं उसी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत होते हैं। हमें अगर छोटे बच्चे को कखा का भी सिखाना है ना तो हमारा भाव महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे को हम बीटेक का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो भी हमारा भाव महत्वपूर्ण है। हम बच्चे से व्यवहार कर रहे हैं तो भी हमारा भाव महत्वपूर्ण है। तो ये भाव हमको स्पष्ट हो जाए, हम सहज भाव बने रहें, तो हम जो भी करेंगे सहज भाव से करेंगे, उसका हमको भी सुख मिलेगा, अगले को भी सुख मिलेगा। थैंक यू। भैया मेरा एक क्वेश्चन ये था कि प्रेजेंटली मैं एज सच तो एक टीचर हूँ पर प्रेजेंटली किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई नहीं हूँ, और यूएचपी के मैंने दो सेशन एआईसीटी से जो प्रोग्राम चल रहे थे 5 डेज प्रोग्राम, वो भी मैंने दो अटेंड किया, एक का मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, दूसरे का मिल चुका है। और ये और यूएचपी के भी काफी सारे प्रोग्राम्स मैं यूट्यूब में जो है वो मैं देखते रहते, मुझे जो लिंक मिले हुए हैं वो भी मैं देख रही हूँ, अभी भी प्रेजेंटली भी देख रही हूँ। और जीवन विद्या भी जो चल रहा है इनवॉलेंटरी प्रोग्राम, उसमें भी परिचय शिविर कर चुकी हूँ। अच्छा। तो भैया अभी क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जुड़ी हूँ पर बड़ी अंदर से एक इच्छा होती है कि कैसे जो है जो भी कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि नहीं दिस इज व्हाट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कि थोड़ा सा बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया जाए या बात रखी जाए या कुछ भी किया जाए या कोई भी एक ग्रुप ऐसा रखा जाए। जैसे कोई अभी मैंने सुना किसी दीदी ने शेयर किया कि कोई वो सपोर्टिंग टीम में है, तो मैं भी कोई ना कोई किसी भी तरह से किसी का हिस्सा बनना चाहती हूँ ताकि ये जो अपडेशन है जो मेरे अंदर होता रहे, जो एक यू नो खुद सेल्फ चेक वाला जो चीज है वो भी चलती रहे और मेरा भी डेवलपमेंट होता रहे, सेल्फ डेवलपमेंट होता रहे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं जी तो वो कोई क्राइटेरिया है क्या, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो किसी इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हुआ नहीं है पर उसके पास बीएड सर्टिफिकेट है या उसने ये वो एनरोल कर रखा है, तो क्या ऐसा कुछ है जिसमें कि मैं अपना कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ? मेरा मेन पर्पस है कि कंट्रीब्यूट करना प्लस अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करना। देखिए आपका ये भाव ही क्राइटेरिया है, अगर आपका भाव इस प्रकार का तो आप टीम के पार्ट हैं बिल्कुल। तो आपका नंबर हम नोट कर लेते हैं, और अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने पास, उसमें आप किसी भी स्तर पे अगर भागीदार होना चाहें तो हो सकती हैं। अपना नंबर शेयर कर दीजिए, ऐसे तो हम लोग को डेटाबेस से मिल सकता है, परंतु अपना नंबर हमें शेयर कर दीजिए तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और आप जो सुबह का सत्र शुरू हो रहा है उसमें आप नियमित रूप से जुड़े, आप स्कूली शिक्षा में है या उच्च शिक्षा में? स्कूली शिक्षा में थे पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी ट्रांसफर हो गया तो उस चक्कर में भी बच्चों की वजह से भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है तो भैया ये चैट में नंबर देना है आपको, चैट में नंबर दे दीजिए हम लोग आपको संपर्क कर लेंगे। जी जी परंतु अभी आपके थोड़ा सा जो सुबह का सत्र हो रहा है उसको विधिवत करें, थोड़ी और आपकी तैयारी हो जाए तो आपके लिए ज्यादा सुखकारी होगा। जी बिल्कुल ठीक है। भैया मैं पिछले दो सेशन से इससे जुड़ी हुई हूँ और आप सबके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ कि मुझे इतना अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। बट भैया मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे आप बता रहे थे जैसे मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं चाहती हूँ ये कंटेंट कुछ ऐसा हो जो मेरे बच्चों तक जा पाए, क्या कुछ ऐसा है उसका लिंक मैं जानना चाह रही थी। क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए तो बुक और वर्कबुक दोनों डेवलप हो रहे हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं अभी। भैया उसका कोई लिंक है या मुझे बुक लेनी पड़ेगी? मैं वो चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों को प्रयास करेंगे कि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए उसका ई कॉपी, है ना, परंतु उसके लिए अभी जो भी तैयारी होनी है उस पर काम चल रहा है, तो जैसे ही वो पब्लिश हो जाता है चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। जी भैया। भैया एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, जो फेस टू फेस वाली वर्कशॉप है आपकी 5 डे और 8 डे वाली, मैं वो जानना चाह रही थी कभी होए तो उसका लिंक इस ग्रुप में प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको ज्वाइन करना चाह रही फेस टू फेस वाली। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मुझे 15 डेज वाला तो पता है सार सूत्र, बट ये नहीं पता मुझे 5, 4, 8 डे वाला, क्योंकि मुझे लॉन्ग छुट्टी कम मिलती है। अच्छा ठीक है, तो मैं उसमें जुड़ना चाह रही थी भैया, शेयर कर देंगे इसकी जानकारी। ठीक बात है जी भैया। भैया एक मेरा और था, जैसे अभी मैं वो एक दीदी बोल रही थी कि हम कैसे काम के साथ कैसे इस ग्रुप में रेगुलर जुड़े हैं, क्या करें, इस टाइम घर में काम का टाइम होता है, बट मेरी दीदी से एक वो है
जैसे भैया मैं भी सवा सात निकल जाती हूँ अपने स्कूल के लिए, बट मैंने ना छोटा सा स्पीकर ले रखा है। मैं किस टाइम किचन में काम कर रही हूँ तो स्पीकर मेरा बाहर सेंटर में मैं लगा देती हूँ। मैं घर में कहीं भी मूवमेंट करती हूँ मेरे पास उसकी आवाज आती रहती है, और इससे एक बेनिफिट और होता है कि घर के बाकी लोग भी इसको सुनते रहते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज है कि सिर्फ हम कर नहीं सकते काम के समय? अगर हम अगर प्रायोरिटी बना ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। बढ़िया दीदी, आपका उत्साह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही मस्त लग रहा है, मेरा पहला ही दिन है। अच्छा। इसके पहले मैंने, हाँ सभी जानते हैं, मैं 2-3 कोर्स और एक एफडीपी मैंने नागपुर में अरेंज किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अपने भी जाधव जी आए थे, विनय भैया आए थे। ओ, तो आपने पुराने साथी आप तो फिर। हाँ यस यस सर, यस सर। तो मैं सिर्फ मेरा एक ये रख रहा हूँ एक्सपीरियंस या जो भी अनुभव आप बोल सकते हैं। मैं मॉर्निंग, अभी देखो मेरी आवाज आ रही है, मैं मॉर्निंग में 3 किलोमीटर मिनिमम घूमता हूँ, तो नेचर के साथ रहता हूँ, तो उसके साथ साथ आपके साथ रहने में जो मजा आ रहा है ना, रियली ये बहुत ही लविंग है। ये बाकी तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन ये अपने आप में यूएचवी से जुड़ा रहना एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है, बस इतना जी। इनफैक्ट ये भी एक अच्छी बात है कि सुबह 1 घंटा हमारा टहलना भी होता है और साथ में समझ के लिए काम भी हो जाता है। हाँ, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया, अदरवाइज दिन भर तो हम काम में रहते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा है। और बाकी सारी बातें तो आपकी मैं सुन रहा हूँ 1 घंटे से, थोड़ा सा इंग्लिश भी थोड़ा सुन लिया था जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ धन्यवाद। कुमार भैया, विनय भैया, मुझे लिंक भेजने के लिए धन्यवाद। भैया भैया, इनफैक्ट आप अगर खुद से टहल रहे होते हैं ना, तो कई बार आप टहलते टहलते बैठ जाते हैं, बट यदि आप सत्र को सुन रहे हैं तो पूरे 1 घंटे टहलते रहते हैं। हाँ, हाँ, वही आप, मेरे सारे दोस्त दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं आज ये क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग अलग मजा आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते, हम लोग पुनः मिलेंगे 6:30 बजे और हम लोग लेक्चर 1 से बात शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।